नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज एक और प्रैक्टिस सेट सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए हम लेके आए हैं। और पहला जो प्रैक्टिस सेट अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे लिंक में दे रखा है, वहां से वो लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से, जो कि है आपका कि तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन में कौन सा समास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर, द्विक, द्वंद्व, बहुव्रीय या फिर कम धारय। तो आपको बताना है कि तन मन धन में कौन सा समास है। आप लोगों ने सोच लिया होगा कि तन मन धन में कौन सा समास है। तो चलिए देखते हैं किनका उत्तर सही हुआ है, और इसका सही उत्तर है वो है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है आपका, कंठ और तालु के स्पर्श से उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं? कंठ और तालु के स्पर्श से उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं? अ, आ, उ, ऊ, इ, ई या फिर ए, ए। तो कंठ और तालु के स्पर्श से उच्चारित होने वाले स्वर जो है वो है आपके ए और ए। अगला प्रश्न है, हम जयपुर जाएंगे में कौन सा सर्वनाम है? हम जयपुर जाएंगे में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो हम जयपुर जाएंगे में कौन सा सर्वनाश है, सर्वनाम है? इसका सही उत्तर है आपका कौन सा? पुरुषवाचक। अगला प्रश्न, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? ऑप्शंस हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, व्यंजन संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि या फिर विसर्ग संधि। तो यण संधि का संबंध किस संधि से है? सही उत्तर क्या है? स्वर संधि से। अगला प्रश्न है आपका, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक। तो कौन सा कारक आपको प्रतीत हो रहा है इस शब्द में कि गरीबों को वस्त्र दो? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। साइनी, साइनी जो शब्द है, जो वर्ड है, इसका आपका अपोजिट मीनिंग का शब्द जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं आपके ब्राइट, पॉलिश्ड, डल या फिर ग्लॉसी। तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है आपका डल। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। आपको यहाँ पे प्रपोजिशन इस सेंटेंस में भरना है रिक्त स्थान की जगह पर। और सेंटेंस है आपका, सी ड्रिंक्स ए लीटर ऑफ वाटर एवरी डे फेल। ऑप्शंस हैं आपके, बिफोर, विदाउट, डिसाइड या फिर टिल। तो सी ड्रिंक्स अ लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, क्या होगा? विदाउट फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड स्विफ्टली इज एन, स्विफ्टली किस प्रकार का वर्ड है? प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? क्या है वर्ड स्विफ्टली? तो स्विफ्टली कौन सा वर्ड है? आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस। थ्रेस, थ्रेस का आपको सिमिलर मीनिंग का जो वर्ड है वो आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। और ऑप्शंस हैं आपके, यूजफुल, पर्ल, प्राइज या फिर गार्बेज। तो क्या हो सकता है थ्रेस? सभी लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को, जो लोग मेल यूज करते होंगे आपने देखा होगा वहां पे एक थ्रेस फोल्डर भी होता है मेल बॉक्स में। तो वहां पर कौन सी मेल जाती है थ्रेस में, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन लोगों को थ्रेस का मतलब नहीं पता। तो सही उत्तर, जी हाँ बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, सही उत्तर है इसका गार्बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको ये सेंटेंस चेंज करना है, और आपका जो सेंटेंस है वो ये है कि दे ऑफर्ड द जॉब टू सुमन। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस आपके लिखे हुए हैं, उनमें से आपको चूज करना है। बहरहाल
इस सेंटेंस का आप ऐसे बना लीजिए और उसी में देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो हो रहा है आपका फर्स्ट वाला, द जॉब वॉज ऑफर टू सुमन बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपवन, उपवनम रिक्त स्थान है फिर नदी बहती, रिक्त स्थान के लिए सही अव्यय पद क्या है? सही अव्यय पद क्या होगा उपवनम में, सही रिक्त स्थान के लिए सही अव्यय पद? तो ऑप्शंस हैं आपके परितः, सर्वत्र, अविता या फिर कदा। तो उपवनम नदी बहती, इसके लिए रिक्त स्थान सही अव्यय पद क्या आएगा आपका? अविता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रातः काले उद्यानस्य शोभा दर्शनीया, रेखांकित पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है? मतलब जो दर्शनीया शब्द को जो हमने रेखांकित किया है उसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है? चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आपके पीसी के स्क्रीन पर। तो आप बताइए कि इसका प्रकृति प्रत्यय क्या होगा दर्शनीया शब्द का? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी पार्ट, दृष्टधन अनियर। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीता मया तु कुत्रापि न गम, रिक्त स्थान के लिए सही रूप है, गम का सही रूप क्या आएगा? सीता मया तु कुत्रापि न गच्छम, गच्छामि, गम्यते, गच्छते या फिर गच्छवा। तो कौन सा इसका सही रूप आएगा गम धातु का? सही उत्तर क्या है? गम्यते। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्य प्रदेशस्य न केवलम प्रकृति अपितु संस्कृति लिंगवलेंस विविधा मनोहरा चास्ति, रिक्त स्थान के लिए सही अव्यय पद क्या है? अपि, इति, एव, कदा। तो क्या आएगा इसका, आप लोगों को बता देता हूं इसका सही उत्तर। सही उत्तर है अपि। अगला प्रश्न है आपका, बालकः पुस्तकान् पठन्ति, रेखांकित पद के स्थान पर शुद्ध रूप लिखिए। इसमें जो रेखांकित पद है, माफ कीजिएगा दोस्तों, रेखांकित करना भूल गया, और रेखांकित जो पद है वो पुस्तकान है इसका। तो पुस्तकान जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर शुद्ध रूप क्या आएगा, तो ये आपको बताना है। तो सही रूप क्या आएगा? पुस्तका, पुस्तकान, पुस्तकम या फिर पुस्तके। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है? पुस्तकान, मतलब पुस्तकान की जगह पुस्तकानी आएगा यहां पर। अगला प्रश्न, फिनोल्फथलीन सूचक अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में कौन कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा? गुलाबी तथा रंगहीन, रंगहीन तथा गुलाबी, लाल तथा रंगहीन या फिर नीला तथा गुलाबी। आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका बी पार्ट, रंगहीन तथा गुलाबी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग थायमीन की कमी से होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिए गए हैं, पेलेग्रा, बेरी बेरी, स्कर्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रोग थायमीन की कमी से होता है इसमें आपको बताना है, और इसका जो सही उत्तर है वो है बेरी बेरी। अगला प्रश्न, सभी प्रकार की यांत्रिक तरंगों में कौन सा गुण सर्वनिष्ठ है? सभी प्रकार की यांत्रिक तरंगों में कौन सा गुण सर्वनिष्ठ है? ऑप्शंस हैं आपके, माध्यम में कणों की सहायता से आगे बढ़ना, माध्यम का तरंग गति के साथ आगे नहीं बढ़ना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या है सही उत्तर? सही उत्तर है आपका ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि धातुओं की वायु से क्रिया का एक उदाहरण दीजिए, धातुओं की अगर वायु से क्रिया कराई जाए तो उसका क्या उदाहरण हो सकता है ये आपको बताना है, और बताना है इन चार ऑप्शंस में से। और ऑप्शंस हैं आपके कि धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा ऑक्साइड का निर्माण, या फिर धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा ऑक्सी फ्लोराइड का निर्माण, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है सही ऑप्शन, सही उत्तर कौन सा है? तो सही आंसर है आपका फर्स्ट पार्ट, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा ऑक्साइड का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल की किस परत में हीलियम गैस की प्रतिशतता अधिकतम है? ऑप्शंस है एक्सोस्फियर, मीसोस्फियर, एटमोस्फियर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो वायुमंडल की जिस परत में हीलियम गैस की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है उसको कहते हैं हम क्या, एक्सोस्फियर। अगला प्रश्न देखते हैं, वो ये है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस हैं आपके, राजा राममोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए और आप कंफ्यूज हो, तो अगर दो तीन नाम सेम टाइप के दिख रहे हैं, मतलब ऑप्शन उन्हीं में से होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, मतलब आंसर इन्हीं तीन में से है। राजा राम मोहन रॉय तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन होते हैं जहां पे आप 50-50 का गैस कर सकते हैं, तो उस प्रकार से भी आप इसमें देखना चाहिए। तो ऑप्शन ये तो क्लियर हो गया कि इन तीन में से ही है, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और सत्येंद्रनाथ टैगोर, तीनों नाम एक जैसे हैं। तो आपको सही उत्तर बताना है, और सही उत्तर क्या है इसका, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत में सूखे से निपटने का व्यवस्थित सरकारी हस्तक्षेप किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ऑप्शन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर पंचम पंचवर्षीय योजना, मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो भारत में सूखे से निपटने का जो सरकारी हस्तक्षेप किया गया था जिस पंचवर्षीय योजना में, वो थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है आपका कि किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। तो जिस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है, वो उस नदी का नाम है इरावती। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों ये प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने दिए होंगे, तो ये प्रश्न तो आप सभी को ही पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लेकिन फिर भी मैं एक बार आंसर्स आपको बोल देता हूं, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सोनिया गांधी या फिर सुचिता कृपलानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका सही उत्तर, जी हाँ, 95% लोगों का अधिक सही होना चाहिए और बिल्कुल सही है, मतलब 100% लोगों का सही हो, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो सही उत्तर है इसका एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है। हाल ही में ये हुंडरू जलप्रपात जो है वो चर्चा में आया था कुछ ही दिनों पहले, तो इसलिए और इस पर ये प्रश्न जरूर बनता है। तो ऑप्शंस हैं, माही नदी, स्वर्ण रेखा नदी, नर्मदा नदी और कावेरी नदी। तो किस नदी पर बना है हुंडरू जलप्रपात, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका स्वर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समस्या समाधान की क्षमता का पूर्ण विकास किस आयु अवस्था में होता है। मतलब किसी समस्या है और उसका समाधान खोजना, उसकी क्षमता का पूर्ण विकास जिस अवस्था में होता है वो आपको बतानी है। और अवस्थाएं आपको दी गई हैं, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या फिर ये सभी। तो जिस अवस्था में पूर्ण विकास होता है समस्या समाधान की क्षमता का, आप लोग स्वयं से ही आप पता कर सकते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम संबंधित समस्याओं का निराकरण किस विधि द्वारा होता है। अधिगम संबंधित समस्याओं का निराकरण किस विधि द्वारा होता है। और ऑप्शंस हैं, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, संवेगात्मक शिक्षण द्वारा, अभिप्रेरणात्मक शिक्षण द्वारा या फिर विश्लेषणात्मक शिक्षण द्वारा। तो अधिगम संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है जिस विधि द्वारा, उसका नाम है आपका उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। सही उत्तर जो है वो है उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्ष 1989 ईस्वी में, वर्ष 1992 में, 1996 और 1998। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना जिस वर्ष की गई थी, उसका सही उत्तर है 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा कक्ष के वातावरण के प्रकार है, मतलब कक्षा कक्ष का जो वातावरण है उसका और भी प्रकार हो सकते हैं। तो क्या प्रकार है कक्षा कक्ष के वातावरण के प्रकार है आपके।
ऑप्शंस हैं आपके सामने, खुला वातावरण, पैतृक वातावरण, स्वायत्ता वातावरण या फिर ये सभी। तो सही उत्तर जो होना चाहिए हमारे हिसाब से वो है आपका ये सभी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने यही ऑप्शन दिया होगा। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी चिंतन के कौन कौन से प्रकार है? यथार्थवादी चिंतन के कौन से प्रकार हैं? ऑप्शंस हैं, अभिसारी चिंतन, सर्जनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु द्वारा अपने छात्रों को दिया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं, अपवर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु द्वारा अपने छात्रों को दिया जाने वाला संस्कार जो है वो कहलाता है समावर्तन संस्कार। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चे संख्याओं को किस उम्र में समझने लगते हैं? ऑप्शंस हैं, 4 से 5 वर्ष की आयु में, 4 से 6 वर्ष की आयु में, 4 से 7 वर्ष की आयु में या फिर 4 से 9 वर्ष की आयु में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 4 से 7 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, शिक्षण के क्षेत्र में 6 ईयर्स 6 ईयर्स शिक्षण रणनीति में कौन कौन सम्मिलित है? संलग्न, अन्वेषण की क्षमता, मानक या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ये सभी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है वह किस रोग से पीड़ित है? ऑप्शंस हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्रासिया, डिसग्राफिया या फिर विस्ग्राफिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न, सीखने के प्राथमिक व गौण नियम को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस हैं, वॉटसन, स्पीयरमैन, थार्नडाइक या फिर पावलोव ने। तो सीखने के प्राथमिक व गौण नियम को जिसने प्रतिपादित किया है उसका नाम है आपका थार्नडाइक। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसके चित्र के साथ 100 के नोट को हाल ही में जारी किया है? आप लोगों ने देखा होगा 100 का जो नया नोट आया है उस पर एक चित्र भी अंकित है, और वो चित्र जो है वो किसका है ये आपको बताना है। ताजमहल का, मीनाक्षी मंदिर का, रानी की वाव का या फिर मंगलयान का। हाल ही में दोस्तों जितने भी नए नोट जारी हुए हैं, 500, 2000, 100, इसका जो भी नए चित्र अंकित हुए हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए। फिलहाल जो 100 के नोट पर जो चित्र अंकित किया है, जो हाल ही में जो जारी हुआ है 100 का नोट, और उसका जो आंसर है वो है रानी की वाव। अगला प्रश्न, जुलाई 2018 को भारत इंग्लैंड T20 श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था? कुलदीप यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या फिर विराट कोहली। तो किसको चुना गया था भारत इंग्लैंड T20 श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द सीरीज जुलाई 2018 को? सही उत्तर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इसलिए बहुत भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? ऑप्शंस हैं आपके, बाराबंकी, बहराइच, महाराजगंज या फिर अयोध्या। तो सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में जहां पे लगता है उस जगह का नाम है बहराइच। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने CMSMS और खान प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर नितिन गडकरी। तो जिस व्यक्ति ने ये ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है पीयूष गोयल। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना को क्या नाम दिया गया है? प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री सहायता योजना या फिर प्रधानमंत्री ऋण योजना। तो जो योजना को नाम दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसका नाम है आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अगला प्रश्न है आपका कि खेलो इंडिया योजना के तहत
युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है? तो खेलो इंडिया योजना के तहत कितने युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शंस हैं 274, 345, 734 या फिर 750। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है आपका? 734। अगला प्रश्न है आपका, 29 जून 2018 को नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस है आपके, दाहोद, आसिफाबाद, बीजापुर या फिर मिर्जापुर। तो सही उत्तर क्या है आपका? दाहोद। अगला प्रश्न, कलारीपयट्टू कहाँ प्रचलित है? कलारीपयट्टू कहाँ प्रचलित है? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर आंध्र प्रदेश। तो कलारीपयट्टू कहाँ पर प्रचलित है? सही उत्तर क्या है आपका? केरल। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेची नदी पर एक नए पुल के निर्माण हेतु भारत और किस देश के मध्य हुए समझौते को मंजूरी प्रदान की है? उस देश का आपको नाम बताना है और वो देश के ऑप्शंस हैं आपके, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान। तो सही उत्तर है आपका नेपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शंस हैं आर डी रंगास्वामी, स्वामी नारायण, अरुणा साईराम या फिर पूर्णिमा हल्दर। तो जिस कलाकार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है उसका नाम है आपका अरुणा साईराम। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या है? मौसम की भविष्यवाणी, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुपर कंप्यूटर में देखिए वैज्ञानिक प्रक्रियाएं तो होंगी होंगी, लेकिन ये आपको बताना है कि मौसम की भविष्यवाणी होती है या नहीं, क्योंकि या तो ऑप्शन बी हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मौसम की भविष्यवाणी भी सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न, 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB में कितने बाइट होते हैं? बहुत लोग, सभी लोग यूज करते होंगे पेन ड्राइव, 1 GB, 2 GB, 500 MB, 10 GB। आजकल तो हार्ड डिस्क टीवी में भी आने लगी, टेराबाइट में भी आने लगी है। तो आपको बताना है कि 1 GB में कितने बाइट होते हैं? 1000 MB, 1024 MB, 1000 KB या फिर 1024 KB। तो कितने बाइट होते हैं? सही उत्तर, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे बी और डी में। नहीं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर बताना है। सही उत्तर है बी पार्ट, 1024 MB। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कंप्यूटर से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया था? पूछना ही नहीं है, सीधा एक ही नाम आता है। चलो ऑप्शन में पहले बता दूं, फिर आप लोग नाम बताइएगा। तो ऑप्शंस है, पहला माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा एप्पल, तीसरा IBM या फिर चौथा गूगल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया था? सही उत्तर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, बहुत लोगों को पता है, सभी को पता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड, कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, लैपटॉप में भी कीबोर्ड होता है, सभी में होता है। तो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, इंटरनल या फिर अपलोड डिवाइस है, किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं दोस्तों? लिखते हैं, इनपुट देते हैं, तो क्या होगा? इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वेब ब्राउजर का के उदाहरण है? मतलब कौन सा इनमें से वेब ब्राउजर है ये आपको बताना है। गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर ये सभी, सभी लोगों ये ब्राउजर के बारे में जरूर जानते होंगे। जो लोग मोबाइल, आजकल तो एंड्रॉइड का जमाना है, सभी लोग वेब ब्राउजर्स जानते होंगे। तो गूगल क्रोम, जी हाँ, ये भी ब्राउजर होता है, मोजिला तो होता ही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बाई डिफॉल्ट होता है। तो सही उत्तर क्या है? ये सभी जो है वो वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कोहलबर्ग, जेबीसियर्स, फ्रेंच या फिर क्रचफील्ड। सही उत्तर क्या है इसका? जेबीसियर्स। अगला प्रश्न, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए ये कहावत किस दंडनात्मक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस हैं दंड का निषेधात्मक, प्रतिकारात्मक सिद्धांत या फिर दंड की स्वीकृति या फिर दंड का आदेश। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए ये कहावत जिस दंडनात्मक सिद्धांत पर आधारित है उसका नाम है प्रतिकारात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, वंचित वर्ग के लोगों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? समावेशी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, विदेशी शिक्षा या फिर मौखिक शिक्षा।
तो वंचित वर्ग के लोगों को जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसका नाम है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में कौन सी नैतिकता को स्थान दिया जाता है? ऑप्शंस हैं वर्णनात्मक, संक्षेपात्मक, निष्कर्षता, मुख्यता। तो कौन सी नैतिकता को स्थान दिया जाता है शिक्षा में? सही उत्तर क्या है आपका? वर्णनात्मक। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शंस हैं पावलोव, थार्नडाइक, सिगमंड फ्राइड या फिर स्टैमले ने। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। अभिप्रेरण का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? और जिसने दिया था उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा बनाया गया हुआ ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया है। दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, लाइक करना चाहे तो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है दोस्तों। लेकिन अगर आपको और वीडियोस ऐसे चाहिए और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो दोस्तों नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर लें, क्योंकि वहां से आप सब्सक्रिप्शन कर लेंगे तो हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।